डियर स्टूडेंट्स, नए टॉपिक्स फिर से आ चुके हैं। उम्मीद है कि कल के टॉपिक्स आपने अच्छे से किए होंगे, चूंकि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें, जैसे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत। देखिए 63वीं में जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ बीपीएससी का, उसमें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन आने वाले समय में कौन से प्रश्न किस तरह से आ जाए हमें तैयार रहना है। और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं, आपको सिर्फ मॉडर्न और एंशियंट ये दो बुक्स ही लेने हैं। 11 ट्वेल्थ में तो कई सारे एनसीईआरटी के बुक्स चलती हैं, आपको प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, उस पर 11th और 12th लिखा होता है, वही लेना है। हमने मॉडर्न का दिखा दिया है, एंशियंट का भी हमारे पास नहीं है, जैसे ही आएगा हम उसका भी फेस आपको दिखा देंगे, लेकिन आपको हर हाल में एंशियंट और मॉडर्न लेना है। 11th और 12th क्रमशः लिखा हुआ होता है इस पर, तो ये देखकर आपको लेना है। फेस हमने दिखा दिया है एक बुक का, ये अधिकतर चांसेस है कि पटना में ही मिलेगा, चूँकि इधर उधर बहुत कम संभावना है। ज़िला मुख्यालय में तो शायद मिल जाए, लेकिन छोटे शहरों में उम्मीद है कि कम ही चांसेस हैं। ये पटना में बीपीएससी ऑफिस के गेट के पास या फिर अशोक राजपथ में प्रायः आपको मिल जाएंगे। अशोक राजपथ में डेफिनेटली, अभी डीपी के कारण हम देख रहे हैं कि बीपीएससी ऑफिस के पास की दुकान आज तक बंद थी, कल संभव है खुल जाए, तो एनीवे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आइए आज के ये टॉपिक्स देखते हैं कि आज इसमें कौन से हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ कंटेंट दे रहे हैं जो आपको याद करने हैं, रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है। ये हैं बुक्स एंड ऑथर्स। देखिए आज के जो 5 बुक्स एंड ऑथर्स हैं आपको हम चुन कर दे रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण। इंडिया डिवाइडेड हो या फिर राजतरंगनी हो या फिर अल्बर्नी को हो, ये सब बुक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप देखेंगे। दूसरा देखिए, रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका लक अच्छा रहा तो हो सकता है इन 3 जो अभी हम आपको दे रहे हैं इसमें से 2 प्रश्न आ जाएं। रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखिए, दलहन हो गया, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा सेक्शन हमने जो आपको लिया है, देखिए क्रांति से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको गुलाबी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ये सब आपको, यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये सब सारे रिवॉल्यूशन जो हैं, राउंड गोल्ड क्रांति यानी आलू के उत्पादन से राउंड रिवॉल्यूशन, तो ये सब आपको करने हैं। अब आइए आज के जो नया सेक्शन है उसमें 10 टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, ये आपको करने हैं। पहला देखिए, हमने जो टॉपिक लिया है वो है, फिर आपको एकदम क्रमवार हम दे रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली दे रहे हैं। आज आपको करना है बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मिडिवल इंडिया में सूफी और भक्ति आंदोलन, ये जो रिलीजियस मूवमेंट है इस वक्त, ये आपको करना है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। सूफी सिलसिले कहलाते थे, नक्शबंदी, तो सोहरावर्दी, ये सब आपको करना है, ये सब याद रखेंगे। इनके संस्थापक कौन है, कौन सा मुग़ल शासक किस सूफी सिलसिले को मानता था, औरंगजेब किस सूफी सिलसिले से प्रभावित था, तो ये सब आपको करना है। भक्ति आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कबीर, सूर, तुलसी सब करना है। साथ ही इसमें ये ध्यान रखेंगे, क्राउन में बहुत अच्छा दिया हुआ, लुसेंट में भी बहुत अच्छा है, और यूनिक में तो कहना ही नहीं अच्छा, बहुत एलैबोरेटेड है। इसमें आपको बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे, कुछ द्वैतवाद आपको मिलेंगे, तो ये सब आपको करना है। द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, श्री संप्रदाय, तो ये सब आपको करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 10 गुरु आपको, सिखों के जो 10 गुरु हैं उनको करना है, किस गुरु ने क्या विशेषताएँ सामने रखी जनता के सामने और क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ, ये भी आपको। तो यहाँ पर क्राउन में बहुत अच्छा दिया हुआ है, लोसेंट में भी है, तो ये सब आप निकाल कर करेंगे। नेक्स्ट आइए मॉडर्न में, हमने यूरोपियन कंपनीज में कल पुर्तगीज, डच और फ्रेंच हम लोगों ने किया था, आज हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे। अब देखिए, ये फ्रांसीसियों के साथ इनके जो वॉर्स हुए वो करना है, इनकी कोठियां कहाँ कहाँ थी, ये सब ध्यान रखेंगे, और प्लासी और बक्सर आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करें। नेक्स्ट आइए अफ्रीका महादेश, एशिया के बाद कॉन्टिनेंट में अफ्रीका है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कौन सबसे बड़ा देश है, कौन सबसे बड़ी झील है, कौन सी नहर है, तो ये सब आपको करना है। पर्वत, एटलस पर्वत देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये सब आपको करना है। उसके बाद आइए भारत में सिंचाई, ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी से हमने लिया है वो है इरीगेशन सिस्टम, भारत में सिंचाई किस तरह की है,
इंटरेस्टिंगली आप जानेंगे कि भारत में जो कुल भूमि है उसका लगभग 50% कृषि भूमि है, एग्री लैंड्स हैं, और इसमें से मात्र 28% से 28 से 30% में इरीगेशन उपलब्ध है, सिंचाई उपलब्ध है, बाकी ईश्वर के भरोसे यानी मानसून भरोसे। तो ये सब आपको समझना है। नहर में ध्यान रखेंगे कि आपको तिरहुत नहर, सारण नहर, ये दोनों नहर बिहार में किसकी, किस नदी परियोजना की है नहर है, तो ये सब ध्यान में आपको रखेंगे। बिहार के कंटेक्स्ट में भी आपको इसे पढ़ना है। उसके बाद आइए औषधि और रसायन। ये हमने मेडिसिन और केमिकल से रिलेटेड लिया है, केमिस्ट्री से। इसमें आपको पायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स ये सब करना है, और कुछ केमिकल्स हैं वो भी आपको ध्यान में रख के करना है। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, पेज नंबर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए जैव विकास, इवोल्यूशन। बायोलॉजी में देखिए इवोल्यूशन, डार्विन ने किस तरह से इवोल्यूशन थ्योरी दिया, उसके बाद किस तरह से बताया कि जैव विकास का क्या रूप सामने आया, किस तरह से विकास हुआ, साथ ही इसमें म्यूटेशन थ्योरी भी आएगा, ह्यूगो डी व्रीज का भी, आप ये सब थ्योरीज पढ़ेंगे। यहाँ पर पेजेस दिए जा रहे हैं। पॉलिटी में राजभाषा हमने लिया है, देखिए इसमें आर्टिकल के साथ साथ राजभाषा का विकास किस तरह से हुआ, हम किसे राजभाषा मानते हैं, संविधान किसे राजभाषा मानता है, साथ ही भारत में कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं यहाँ पर आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 भाषाओं में से आ जाता है कि कौन राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो ये यहाँ पे करना है आपको। उसके बाद देखिए इकोनॉमी में हमने विदेशी व्यापार लिया है, ये विदेशी व्यापार हम लोगों ने पहले भी लिया था लेकिन बहुत ही हल्के ढंग से हम लोगों ने किया था, आज फिर हम लोग विदेशी व्यापार ले रहे हैं। इसमें आपको भुगतान संतुलन, किसके साथ व्यापार होता है, क्या व्यापार होता है, चालू खाता क्या है यानी इससे करेंट अकाउंट्स क्या हैं, SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये सब आपको देखना है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है भारत में, किससे अधिक आ रहा है, और फोरेक्स जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, ये सब आपको इसमें मिलेगा। पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, हमने आपको देख के दिया है, ये सब कंटेंट बुक्स में हैं, और संभव हो तो आप ट्रांसनेट का हेल्प लें। उसके बाद देखिए GK में हमने आज अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो स्पेस प्रोग्राम हमारा है वो हमने लिया है, हमारा किस तरह से सैटेलाइट जो है लॉन्च होता है, GSLV PSLV, और पहला हमारा सैटेलाइट कौन था, कौन हमारे अंतरिक्ष यात्री भारत से गए, राकेश शर्मा, तो ये सब डिटेल्स लेंगे, कहाँ कहाँ स्टेशंस हैं, किसे स्पेस सिटी कहते हैं भारत में, ये सब आपको करना है। उसके बाद बिहार में देखिए हम लोग क्रोनोलॉजिकली बढ़ रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, सविनय अवज्ञा के बाद भारत छोड़ो आंदोलन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी हम लोगों ने इसे किया है, एक्चुअली ये रिविज़न है, आप बार बार रिविज़न बोलते हैं तो इसमें रिविज़न के कई टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये देखिए आपको भारत छोड़ो आंदोलन करना है बिहार के संदर्भ में, आज़ाद दस्ता बना था, JP का यहाँ पर क्या था, ये सब आपको डिटेल्स करना है। और अंत में दिवस, डेज, अप्रैल मंथ करना है, आप इग्नोर ना करें ये सोच करके कि क्या याद करें, कैसे याद करें, बहुत पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, आपको इसे याद करना है सारे डेज को, कौन सी बड़ी बात है, 24 घंटे में आप 5, 6, 7, 8 बार अगर रिवाइज़ कर लेंगे तो दिमाग में रहेगा, और फिर बाद में तो हम लोग रिवीजन करेंगे ही। हमने 12वां टॉपिक छोड़ दिया है, जो हम शुरू से प्रतियोगिता दर्पण जो कर रहे थे वो किसी के पास है ही नहीं, तो वो हमने छोड़ दिया है, जून से हम लोग करेंगे, जो कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो हम लोग करेंगे वो जून से करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण आपको जून से इकट्ठा करके रखना है, चाहे जैसे हो या नेट से भी, प्रतियोगिता दर्पण हम लोग जून से कंसोलिडेटेड फॉर्म में करेंगे, और अगर पीछे जाना होगा तो बाद में जाएंगे। एक दो दिनों में करेंट अफेयर्स भी शुरू होगा, एक दो दिनों में करंट अफेयर्स के सेक्शन भी शुरू होंगे, और जहाँ तक संभव होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज भी आएगा, टाइम कम मिल रहा है, बहुत कुछ पढ़ना है। NCERT का टॉपिक 26 तारीख से शुरू हो जाएगा, 26 से, तो आप बुक्स को मंगा कर रख लें, तब तक आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ध्यान रखें, सारे कंटेंट को इकट्ठा कर रखें, जब तेज़ी से हम लोग चलेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। टेक केयर।